नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर एक्सप्लोर बॉक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम असम की वाणिज्यिक राजधानी नाम से फेमस तिनसुकिया जिले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। नीली पहाड़ियों, कई अन्य अभयारण्यों और हरे भरे चाय के बागानों से सजे धजे मैदानों के बीच बसा तिनसुकिया असम का एक सदाबहार और औद्योगिक जिला है, जो असम की राजधानी दिसपुर से 514 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ के डिगबोई जगह के बारे में आपने कभी न कभी पढ़ा और चर्चा सुना होगा, यदि नहीं तो हम बताते हैं। डिगबोई में दुनिया के दो अजूबे है, पहला 100 साल पुराना तेल क्षेत्र जो अभी भी उत्पादन कर रहा है, दूसरा दुनिया की सबसे पुरानी चालू तेल रिफाइनरी। डिगबोई को तेल नगरी भी कहा जाता है। शायद ही आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो 9.15 किलोमीटर लंबा है। बात करें इस शहर की डेमोग्राफी की तो ये शहर 3,790 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पंख पसारे है, जो धेमाजी, डिब्रूगढ़ जिला और अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 2011 में हुई एक सर्वे के अनुसार यहाँ की आबादी 13.3 लाख निवासियों की पाई गई थी, जो इसे रैंकिंग के हिसाब से आबादी और एरिया दोनों एंगल से असम का सातवां सबसे बड़ा जिला बनाता है। जनसंख्या घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। यहाँ 70.09% लोग पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादातर अपनी मातृभाषा असमिया में बातचीत करते हैं और ऑफिशियल कामों में यूज भी करते हैं। इसके अलावा बाकी लोग सादरी, बंगाली, हिंदी, नेपाली, भोजपुरी और ओडिया भाषा में वार्तालाप करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी एक बहुसांस्कृतिक जिला है। बात करें सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की तो यहाँ 952 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। 88.96% हिंदू, 3.65% मुस्लिम, 5.79% ईसाई और 1.22% बौद्ध धर्म के लोग आपसी मेलजोल के साथ यहाँ रहते हैं। सिंगर भूपेन हजारिका इसी शहर के धुरंधर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तिनसुकिया असम का एक औद्योगिक जिला है, तो यहाँ कमाई का मुख्य जरिया चाय, तेल और कोयला खनन उद्योग है। यहाँ के चाय बागान अपनी मनमोहक सुंदरता और क्वालिटी के लिए फेमस है। इस जगह पर आकर कोई भी टूरिस्ट शहर में और आसपास में मौजूद चाय बागानों की विशाल संख्या को देखकर दंग रह जाते हैं। इस तरह टूरिज्म भी कमाई का एक जरिया है। इस जिले में कुल 233 चाय बागाने हैं, जो भारतीय चाय बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। इन चाय से जुड़े उद्योगों के कारण हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें डिगबोई की इंडियन ऑयल कारपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री प्रमुख हैं। इसके अलावा तिनसुकिया संतरे, चावल, अदरक, खट्टे फल के साथ अन्य खेती के उत्पादों का भी उत्पादन करता है। उद्योगों से जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए यह सड़क और रेल मार्गों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से आप उड़ान भर सकते हैं। यहाँ का मुख्य जंक्शन न्यू तिनसुकिया रेलवे जंक्शन है, जो लुमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन पर मौजूद है। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। NH 37, 38 एवं 153 इसी शहर से होकर जाते हैं, जो इसे अन्य सिटीज और राज्यों से जोड़ते हैं। यह 23 नंबर प्लेट के वाहन आपको तिनसुकिया शहर की सड़कों पर दिखेगी। यदि आप यहाँ कभी आने का मन बनाते हैं तो आपको यहाँ के दिल छू लेने वाले घूमने के स्थानों और लजीज व्यंजनों के बारे में जान लेना चाहिए। आप यहाँ भूपेन हजारिका सेतु, बेल टेम्पल, डुमडुमा चाय बागान, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य और डिगबोई तेल नगरी जैसी मनमोहक जगहें घूम सकते हैं। साफ मौसम में पूर्वी हिमालय में बर्फ से ढके पहाड़ का नजारा यहाँ के किसी कोने से खड़े होके देख सकते हैं।
खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो यहाँ मसूर टेंगा, जाक बाजी, आलू पिटका और खार यहाँ बहुत ही फेमस है। इन जायकेदार खानों को आपको एक बार अवश्य टेस्ट करना चाहिए। अब जान लेते हैं इस शहर के सुनहरे इतिहास के बारे में। पुराने समय में तिनसुकिया को चांगमाई पाथर और बिंगमोरा के नाम से जाना जाता था। यह मुक्तक साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तिनसुकिया नाम टिंकुनिया पंखुड़ी से लिया गया है, जिसका मतलब है तीन तरफ वाला तालाब। सन 1823 में अंग्रेजों ने सदिया में चाय के पौधों की खोज की थी। इस तरह तिनसुकिया के पास चबुआ में पहला चाय बागान शुरू किया गया था। तिनसुकिया जिला का जन्म सन 1989 में हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको ये शहर कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। असम के सिटीज की ढेरों वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।